नमस्ते अंकल जी। अक्षय कुमार वो बॉलीवुड एक्टर है जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। 1997 में आज मूवी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा और तब से लेकर अब तक वो 150 से ज्यादा मूवी के अंदर काम कर चुके हैं और इन्हीं फिल्मों में की गई अपनी कमाल की एक्टिंग की वजह से आज वो इंडिया के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ कई सारे अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। और अपनी इसी मेहनत की वजह से उन्होंने खुद को मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के रूप में जनता के सामने खुद को साबित किया है। यहाँ तक कि 2010 के बाद का टाइम उनका गोल्डन टाइम था जहाँ पे उनकी हर फिल्म हिट जा रही थी और वहीं आज के टाइम में उनकी हर फिल्म फ्लॉप हो रही है, चाहे वो थिएटर हो या फिर OTT, लोग उनकी फिल्म को देखना ही नहीं चाहते। लेकिन आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। एक्चुअली इसका सबसे मेन रीजन है अक्षय कुमार का बैक टू बैक मूवीज का रिलीज करना, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में उनकी एक अलग ही इमेज बन चुकी है। लोगों को लगता है कि ये तो हर महीने एक नई मूवी लेके आ जाता है, क्या फायदा है थिएटर जाके, जब मूवी OTT के ऊपर आएगी तभी देख लेंगे। और अगर किसी स्टार की ऐसी इमेज बन जाती है समझ जाओ कि उसका करियर खतरे में है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि उन्हें ये सब पता है लेकिन फिर भी वो इन गलतियों को सुधार नहीं रहे और उन्होंने कई इंटरव्यूज के अंदर या तो अपनी को मानने से इनकार कर दिया है या फिर कई सारे इलॉजिकल आंसर दिए हैं। जैसे कि इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि मेरी एक मूवी 40 दिन में खत्म हो जाती है तो फिर आखिर 40 दिन के बाद मैं पूरे साल बैठ के क्या करूं। और यहां तक कि इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, बट डोंट वरी यू विल बी बैक। अरे मैं उसको फोन करके बोला, भाई तू ये क्यों लिख रहा है, बैक मतलब गया कहां हूं, इधर ही हूं, काम करते रहूंगा, हमेशा काम करते रहूंगा चाहे लोग कुछ भी बोले। सुबह उठना है, कसरत करनी है, काम पे जाना है, वापस आना है, जो भी कमाता हूँ अपने दम पे कमाता हूँ। और थर्ड रीजन है लैक ऑफ एफर्टनेस। जिस तरह से अक्षय कुमार की मूवी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है उतनी ही ज्यादा उनकी क्वालिटी भी घट रही है। उन्हें देख के लगता ही नहीं है कि वो अपनी फिल्मों के लिए बिल्कुल भी सीरियस है। और इसका पता इस बात से चलता है कि जब 350 करोड़ के अंदर बनी पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्म सिर्फ 90 करोड़ कमाकर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी और मूवी के मेकर्स ने सारा ब्लेम अक्षय कुमार को दिया था, जो कि सही भी था क्योंकि मूवी के डायरेक्टर ने बताया कि अक्षय कुमार ने मूवी के लिए मूंछें उगाने से भी मना कर दिया। अब जो एक्टर किसी मूवी के लिए अगर 150 करोड़ रुपए लेता है और उसके लिए एक मूंछ भी नहीं उगा सकता तो उससे पता चलता है कि वो उस मूवी के लिए कितना सीरियस है। अब मेरी इस बात से आप लोग भी एग्री करोगे कि पिछले कुछ सालों से अक्षय कुमार को ज्यादा ही चारों ओर दिखने लगे हैं। अब चाहे वो रील हो, एड्स हो, कोई फालतू का इवेंट हो या फिर कोई इंटरव्यू या कोई पॉडकास्ट, कोई भी जगह हो वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से पब्लिक के लिए कुछ ज्यादा ही नॉर्मल हो चुके हैं। इसकी वजह से लोग उन्हें मिस नहीं कर पा रहे हैं और ना उन्हें देखने के लिए थिएटर में जा रहे हैं क्योंकि वो तो उन्हें ऐसे ही दिख जाते हैं। अक्षय कुमार को लग रहा है कि जितना वो ऑडियंस के सामने आएंगे उतना ही उनकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। उन्हें उतना ही लोगों के सामने आना चाहिए जितने की जरूरत हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है शाहरुख खान, जो कि आपको कभी भी नहीं दिखेंगे, ना रील्स पे, ना फालतू के इवेंट्स पे और ना ही किसी फालतू के इंटरव्यू या पॉडकास्ट। अब सवाल ये आता है कि आखिर इसका सलूशन क्या है। वेल बहुत सिंपल है, अक्षय कुमार को वही स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए जो शाहरुख खान ने पठान के टाइम पे की थी, जहां उनकी मूवीज 2018 से लेकर 2020 तक लगातार फ्लॉप हो रही थी। वहीं पे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से एक ब्रेक लिया और पठान के साथ कमबैक किया। हां माना कि पठान एक बहुत ही एवरेज मूवी थी लेकिन फिर भी उसने पूरे 1000 करोड़ का बिजनेस किया क्योंकि उनका प्लान ऑफ एक्शन बहुत बढ़िया था। लेकिन शायद अब अक्षय कुमार इतने ज्यादा एरोगेंट बन चुके हैं कि वो ये स्टेप कभी भी नहीं लेंगे, अपने एरोगेंस के चक्कर में अपने पूरे करियर को ही दांव पे लगा देंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो उस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।